हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। घर बैठे डॉक्टर से वीडियो कॉल पर लेवे ई संजीवनी ऐप से परामर्श। राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टैगोर नगर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरपी मिर्धा के निर्देशन में कोविड स्वास्थ्य सहायकों व आशाओं को ई संजीवनी ऐप के बारे में जानकारी देने के लिए सोमवार को बैठक का आयोजन किया गया। शहरी कार्यक्रम प्रबंधक जितेंद्र परमार ने बताया कि यदि आप अस्पताल की भीड़ से बचना चाहते हैं तो ई संजीवनी ओपीडी ऐप का इस्तेमाल करें और घर बैठे डॉक्टर से सलाह लेकर अपना उपचार करावे। इस ऐप पर आपको विशेष डॉक्टर की सलाह मिलेगी। इस ऐप से मरीज वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर से सीधा रूबरू हो सकता है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सर्वे के दौरान घर घर जाकर परिवार के सदस्यों से मोबाइल में ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मौसमी बीमारियों, राजश्री योजना का भुगतान, गैर संचारी रोग के बारे में जानकारी एनसीडी ऐप के माध्यम से सीबेक फॉर्म ऑनलाइन करवाने के बारे में जानकारी दी। पब्लिक हेल्थ मैनेजर अशोक भार्गव ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते लोग भीड़ भाड़ में जाने से बचने के लिए सरकार द्वारा ई संजीवनी ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के माध्यम से यदि आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर गर्भवती महिला है तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से आप सीधे ही डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसमें इतना ही नहीं, कौन सी दवाई लेनी है वो भी मैसेज के जरिए जानकारी मिलेगी। वर्तमान समय को देखते हुए सबसे अधिक जरूरत गर्भवती महिला व गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को है। शहर के अंदर सभी लोगों के मोबाइल फोन में ई संजीवनी ऐप जरूरी है ताकि घर बैठे परामर्श ले सके। टीबी रोग के सुपरवाइजर महावीर सिंह ने बताया कि सर्वे के दौरान जो टीबी रोग के मरीज है उनका लगातार फॉलोअप लेने के बारे में बताया। लक्षणों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, सर्वे के दौरान जिनको दो हफ्तों से लगातार खांसी आना, बुखार आना, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट आना लक्षण मिलते ही तुरंत अस्पताल दिखाने की सलाह देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डॉक्टर मदन सिंह परमार, पब्लिक हेल्थ मैनेजर अशोक भार्गव, अध्यापक मधुसूदन चारण, पार्षद मोटू भाई, नीलम बिड़ला, रेखा चौधरी, अरविंद डांगी, रोशमा फिलिप, श्यामा चौहान, कोविड स्वास्थ्य सहायक अनीता शर्मा, खुशबू सेन, गोपाल सिंह समेत आशा सहयोगिनी मौजूद रहीं। जागरूक टीवी के पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।